दोस्त, क्या आप अपना फोटो का साइज जो है 50 KB में लाना चाहते हैं, 50 KB में बनाना चाहते हैं, वो भी अपने लैपटॉप पर और फ्री में? तो दोस्त, इस वीडियो में बिल्कुल जानकारी आपको दिया गया है स्टेप बाय स्टेप, और ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। दोस्त, यहाँ पर एक फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, यहाँ पर जो है एक फोटो है। हम इसका पहले साइज आपको दिखा दे रहे हैं कि इसका साइज जो है कितना है, ठीक है, जिसको कि हमें कंप्रेस करनी है और कंप्रेस करके 50 KB में लाना है, ठीक है। तो दोस्त, यहाँ पर आएंगे और इसका प्रॉपर्टी जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारा इसका साइज जो है 264 KB का है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका फाइल साइज 264 KB का है, ठीक है। तो दोस्त, आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है बैक आ जाना है, और दोस्तों आपको यहाँ पर जो है एक ब्राउजर पर आ जाना है, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्रोम ब्राउजर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्त, यहाँ पर जो है ब्राउजर कुछ इस तरीके का खुल जाता है, और दोस्त यहाँ पर आपको सर्च करना है, सर्च करना है इमेज PI7.org, ठीक है। आपको 3 वर्ड यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में इमेज PI7.org। इसके बाद दोस्त यहाँ पर आप इंटर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे दोस्त, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वेबसाइट आ जाएगा, कुछ इस तरीके का जो है वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्त इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, खोलना है इसको, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो है क्लिक करना होगा, और दोस्त जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो इस तरीके का जो है स्क्रीन इस वेबसाइट का जो है आ जाता है। दोस्त आपको बता दें, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये वेबसाइट अच्छी तरह काम करती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं रिड्यूस इमेज साइज इन KB, और दोस्त यहाँ पर जो है आपको रिड्यूस साइज इन KB वाले ऑप्शन पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर इस पर आपको प्रेस करनी है। जैसे आप प्रेस करेंगे इस तरीके का जो है रेक्टेंगल बॉक्स आ जाएगा स्क्रीन में, और दोस्त यहाँ पर जो है पिक्सल, एमएम और सेंटीमीटर 3 ऑप्शन जो है इमेज का डायमेंशन दिया रहता है, और दोस्त डिफ़ॉल्ट जो है पिक्सल पर सेट रहता है, आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहने देना है, ठीक है। और दोस्त यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मिनिमाइज वाला ऑप्शन है ना, इसको आपको प्रेस करनी है और थोड़ा मिनिमाइज कर लेना है, और आपका फोटो जो है यहाँ पर है, ठीक है, डेस्कटॉप पर। और यहाँ से आप क्या करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है, आपका फोटो जो है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके बाद दोस्त इसको हम मैक्सिमाइज कर लेंगे, और दोस्त यहाँ पर जो है हमारा साइज जो है इनपुट करने का ऑप्शन जो है देता है नीचे, आप देख सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर आपको लिखना है 50 KB, ठीक है। तो फिलहाल हम 52 KB लिख रहे हैं, ठीक है, 52 KB, क्योंकि दोस्त ज़्यादा ही कुछ कंप्रेस कर देगा, क्योंकि 264 KB का फाइल है हमारा। और दोस्त इसमें आप लगभग कि 10 इमेज एक ही बेर में कंप्रेस कर सकते हैं, चाहे तो आप आपके पास 10 मतलब इमेजेज हैं तो उसको अपलोड करके यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर हमने क्या किया, अपना फोटो जो है अपलोड कर दिया और यहाँ पर साइज जो है इंटर कर दिया, और दोस्त ये रिड्यूस वाला बटन जो है इस साइड में यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो इस पर आपको फोकस करना है, मतलब इस पर आपको आना है, क्लिक करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप इस पर ऐसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग होगा, और दोस्त अपलोड कर कंप्लीट प्रेजेंटिंग द फाइनल यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो दोस्त यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो वो फोटो था ना, वो 50 KB में हो गया, और यहाँ पर नीचे बिल्कुल 50 KB जो साइज है इसके नीचे यहाँ पर बिल्कुल डाउनलोड वाला बटन आ जाता है, और दोस्त यहाँ से प्रेस करेंगे अगर तो हमारा जो फोटो है वो डाउनलोड होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऐड आ चुका है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, और जैसे क्लोज करेंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो था वो डाउनलोड हो चुका है, और ये भी 50 KB का दिखा रहा है, ठीक है। और दोस्त यहाँ पर नीचे देखेंगे तो डिलीट योर इमेजेस फ्रॉम सर्वर नाउ, इनके सर्वर से अपना फोटो जो है डिलीट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन भी प्रेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्त यहाँ पर जो है इनका ऐप भी है जो कि PC में चलेगा, तो आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए हमें मानो कि कंप्रेस करना होता है तो डाउनलोड कर सकते हैं इनका जो है कंप्रेसर ऐप, जो कि ये लिंक से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त वीडियो देख करके समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से लैपटॉप में भी हमारा फोटो का साइज जो है 50 KB हो सकता है और बना सकते हैं। तो दोस्त लास्ट में कहना चाहूंगा, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्त कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, और दोस्त हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय बाय।